Razem do cyklu, gdzie studying hard. ठीक है दूसरा सेंटेंस है he could not clear the exam. ठीक है तो इसको हम कैसे ज्वाइन करेंगे तो पहला सेंटेंस देखना इंडिपेंडेंट सेंटेंस है कि जय ने बहुत कठिन परिस्थिति किया बहुत पढ़ाई की और दूसरा क्या he could not clear the exam. दूसरा क्या नेगेटिविटी बता रहा है कि उसने क्लियर एग्जाम नहीं किया तो इसको यदि हमें ज्वाइन करना है तो क्या लिखेंगे जय स्टडीड हार्ड ये तो क्लियर हुआ सिर्फ हार्ड की बट फिर बीच में क्या कर दिया बट ही कुडंट क्लियर द एग्जाम. देखिए यहां पर क्या आ गया हमारा नॉट आ गया नेगेटिव तो बट के साथ हम नॉट भी लगा सकते हैं. अब इसी सेंटेंस को हम कैसे भी लिख सकते थे कि जय स्टडीड हार्ड बट बट ही फेल इन द एग्जाम. तो ये हमने अपोजिट वर्ड पास का अपोजिट वर्ड हार्ड का ये यहाँ पर पास कर दिया ये भी हमको मीनिंग यहाँ पर हमने चेंज नहीं ठीक है ना तो मतलब तो वही है हार्ड स्टडी की और फेल हो गया या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि हार्ड स्टडी की लेकिन एग्जाम में पास नहीं पाए तो एग्जाम में पास नहीं होता उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं क्या हो गया फेल हो गया इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं. तो एक तरीके से हम इसमें नॉट भी ज्वाइन कर सकते हैं बट क्योंकि एक सेंटेंस ऐसा है यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस ऐसा है पॉजिटिव आइडिया दे रहा है या फिर हम उसके बदले में इतने बड़े वर्ड ना लिख कर फेल भी लिख सकते हैं वो तो सेंटेंस पर डिपेंड है ठीक है जैसे भी बट ही कुड नॉट क्लियर द एग्जाम. और क्या लिख सकते हैं जैसे कि आई रीड द बुक और दूसरा आई डिड नॉट understand ठीक तो पहला सेंटेंस क्या मैंने बुक पढ़ी दूसरा क्या फिर मुझे समझ में नहीं आए तो कैसे ऐड करेंगे सबसे पहले हमने लिखा पॉजिटिव आई रीड द बुक फिर बुक तो पढ़ ली लेकिन क्या हुआ तो लेकिन नेगेटिव चीज ये हो गई कि आई डिडंट अंडरस्टैंड ठीक है तो बात समझ में आई कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस अवॉइड रहेंगे लेकिन एक पॉजिटिव मूड बताए एक पॉजिटिव आइडिया देगा दूसरा नेगेटिव आइडिया देगा दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे को कॉन्ट्रेडिक्ट करेंगे अपोज करेंगे एक सेंटेंस नॉट भी हो सकता है वहां पर हम बट का इस्तेमाल करेंगे ठीक है तो पहला सेंटेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा दूसरा सेंटेंस बट के पहले वाला सेंटेंस ध्यान रखना है कि कैसा रहेगा पॉजिटिव वे में बताएंगे कि कुछ काम किया बट फिर वो नहीं हुआ ये तो नहीं कहेंगे कि मैं फेल हो गई मैंने बहुत पढ़ा था उल्टा नहीं बोल सकते कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड इट बट आई रीड द बुक ऐसा नहीं पहले क्या पहले जो पॉजिटिव काम किया वह उसके बाद बट और फिर उसके बाद जो नेगेटिव सेंटेंस है या जो अपोज करने वाला सेंटेंस है वहां पर आया ठीक है. नेक्स्ट हम देखेंगे और ठीक है कौन सी और मीन्स क्या होता है या नेक्स्ट हमारी है और क्या होता है हमें चॉइस देगा चुनने के लिए देगा कि या तो ये या तो फिर ये सपोज यदि हम बोले एक सेंटेंस है हमारा डू यू वॉन्ट कॉफी और दूसरा सेंटेंस है डू यू वॉन्ट टी ठीक है दो सेंटेंस पहला सेंटेंस डू यू वॉन्ट कॉफी है दूसरा डू यू वॉन्ट टी. अब देखिए यहाँ पर मूड तो सेम है सेंटेंस का आइडिया तो सेम ही है इसी से पूछा जा रहा है कि आपको कॉफी पसंद है या फिर आप टी लेना चाहते हैं चाय लेना चाहते हैं तो मूड तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव या तो नेगेटिव होगा या तो पॉजिटिव ही होगा बट क्या है यहाँ पर हमको चॉइस मिलती है चलने के लिए मिल रहा है या तो हमें कॉफी चलना है या फिर हमें टी चलना है
तब हम और का यूज करेंगे तो इसका कलेक्टर कैसे और बन जाएगा. तो हम लिखेंगे इसको डू यू वॉन्ट कॉफी और टी. ठीक है, तो चॉइस होगी आप क्या लेना पसंद करेंगे, कॉफी या चाय. तो हमारे पास चॉइस हमें कोई दो. ठीक है, तो यहाँ पर चॉइस हमेशा दो चॉइस है करने की. बहुत सारे सिर्फ दो चॉइस है, दो चीजें रहेंगी, उनमें से हमें कोई भी चॉइस करके वहां पर आंसर देंगे. तो डू यू वॉन्ट कॉफी और टी, एक ये हो गया. ठीक है, और यदि हमने किया जैसे कि और क्या चॉइस हो सकती है. ठीक है, और हो सकता पहले हम देखे मोहन वन टू बाय पपी या डॉग भी बोल सकते पपी. ठीक है, और यहाँ पर भी अगर मोहन ही है जो क्या खरीदना चाहते हैं, या तो वो उनके पास दो चॉइस है, या तो पपी ले लें बाय किटन. किटन मीन्स क्या होता है, किटन मीन्स होता है बिल्ली का बच्चा, और एक ही व्यक्ति खरीद रहा है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोहन वन टू, यहाँ पर मोहन वन चाहिए, मोहन वन बाय पपी और किटन, या तो वो पपी खरीदेगा या फिर किटन खरीदेगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोलते हैं चॉइस मिलेगी, या तो ये या तो फिर ये, दो चॉइस मिलेगी. ठीक है ना, या मैं ये खरीद सकता है या फिर मैं ये खरीद सकता है. ठीक है ना, और देखिए ऐसे दो सेंटेंस दिए हैं, हमें ऐसे दो सेंटेंस रहेंगे उनको ज्वाइन करने के लिए. पहला है डू यू वॉन्ट लर्न इंग्लिश, और दूसरा है डू यू वॉन्ट लर्न, यहाँ पर रहेगा फ्रेंच. मूड एक ही है लेकिन यहाँ पर अलग अलग बात की जा रही है, यहाँ पर इंग्लिश लर्न करने की बात की जा रही है और यहाँ पर फ्रेंच. इसका भी कनेक्ट कैसे करेंगे, जो कॉमन है वो तो हम एक ही बात लिखेंगे डू यू वॉन्ट लर्न तक सेम गए. अब बात यहाँ पर चेंज आ रही है, चॉइस इसकी हो रही है, लैंग्वेज की चॉइस की जा रही है इंग्लिश या फ्रेंच में से. तो इंग्लिश के बीच में हम लिखेंगे इंग्लिश और फ्रेंच. देखिए पहला सेंटेंस हमारा इंग्लिश है तो उसका वर्ड पहले आएगा, दूसरा सेंटेंस में फ्रेंच है इसलिए हमारी जो क्या है कंजम्पशन उसके बाद दूसरा वर्ड आएगा. तो यहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच आएगा. तो ध्यान रहेगा कि जो और कंजम्पशन है वह हमेशा किसके लिए चॉइस बताने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है. ठीक है, इसके लिए चॉइस बताने.